प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पवित्र 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 है मेमना, पवित्र 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 है मेमना। आज का संदेश प्रभु के दास वायम माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु का वचन के सामने आने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ये बातों को हम लोग देख रहा था। इस संसार में कई धर्म हैं, रिलीजन है, उन लोग अपना अपना ईश्वरों को मानता है, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है केवल परमेश्वर एक ही है। वही परमेश्वर जो बाइबल में प्रकट किया, वही परमेश्वर सृष्टिकर्ता है और सब कुछ संभालने वाला है। उस परमेश्वर के बारे में ही हम लोग जो स्टडी कर रहा था। पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर के नाम में हम लोग इस परमेश्वर को देखता है। वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके दुनिया में आया, वही प्रभु यीशु मसीह है। सो पुराना नियम का परमेश्वर और नया नियम का प्रभु यीशु मसीह अलग अलग परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। उसमें तीन व्यक्तित्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर मनुष्यों में कार्य करता है, संसार में कार्य करता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम लोग पहले भी देख लिया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसमें स्पष्ट बताता है। पहला अध्याय इस प्रकार हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब क्या है? आदि में वचन, आदि मतलब समय शुरू होने से पहले अनादिकाल से वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। एक कौन है? वचन परमेश्वर के साथ। और बताते हैं वचन परमेश्वर था। इधर ध्यान सुनिएगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, अभी वचन परमेश्वर था। सो आदि में क्या क्या होता था? परमेश्वर भी होता था, वो वचन होता था, वो वचन परमेश्वर है। इसका सारांश चाहिए, आदि में परमेश्वर था। इसके बाद बताता दूसरा पद में, यही आदि में परमेश्वर के साथ था वचन। तीसरा पद में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? इस वचन के द्वारा, जो परमेश्वर है उसको, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और पढ़ते हैं, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। सो सबसे पहले हम यही समझ में आना चाहिए, आदि में जो परमेश्वर है, जिन्होंने सब कुछ उत्पन्न किया, उस परमेश्वर का बारे में हम प्रचार करता है। आप ये नहीं सोचिए कि हम दूसरा कोई परमेश्वर है, ईसाई लोगों का परमेश्वर है, ऐसा बात नहीं होता। प्रभु के सामने ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान, इसी प्रकार का धर्म नहीं होता। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया बराबरी में जीने के लिए, पुरुष और स्त्री को बनाया। इसलिए आप उस परमेश्वर का दृष्टिकोण में देखिएगा, परमेश्वर था, वही परमेश्वर सब कुछ बनाया। इसके बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, इसका चार पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जीवन था, जिसमें उस परमेश्वर में वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति मनुष्य को ज्योति देने के लिए आया। पांचवा पद में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार से
अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हमारा जो देश में यही एक नारा हम सुना है, अंधकार से मुझे ज्योति में ले चलिए। इसका मतलब अभी भी अंधकार है, अंधकार मिटा नहीं है, सो ज्योति नहीं आया अंधकार को मिटाने के लिए। इसलिए जो लोग यही प्रार्थना कर रहे हमें अंधकार से ज्योति में ले आइए, लेकिन हम बताता है आदि में जो परमेश्वर जो सब कुछ बनाया है सृष्टि करता है उसमें जीवन है, उसमें ज्योति है, और उस ज्योति का गवाही देने के लिए एक पुरुष आया, उसके बाद नाम था यूहन्ना। वो बताता है सातवां पद में ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। सो अभी भी लोग कहते अंधकार में ज्योति में लाइए, लेकिन एक व्यक्ति 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म से 6 महीने से पहले वो आया, वो बताता है एक ज्योति संसार में निकलने वाला, ज्योति का गवाही देने के लिए आया। उन्होंने बताया ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ये ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। सारांश क्या है मालूम है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति नहीं था, वो अच्छा अच्छा वचन बोलता था, आज भी कई अवतार दुनिया में आया, उसमें भी अच्छी अच्छी गुण तो शायद हुआ होगा, लेकिन वो ज्योति नहीं था, असली ज्योति नहीं था, वो ज्योति का गवाही देने आया। इसमें नवा पद में बताता है सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्यों को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, सच्ची ज्योति। प्यारे भाइयों, ये ज्योति का हम लोग प्रचार करते हैं, उस ज्योति को उस समय का लोग ग्रहण नहीं किया, आज भी भारत का लोग ग्रहण नहीं कर रहे और ज्योति का जो इंतजार कर रहा, लेकिन जितनों ने उस ज्योति को ग्रहण किया उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। ये संदेश हम लोग हमेशा सुना रहा, आपके बीच में भी सुना रहा, प्रभु आपको सहायता करे इस सच्ची ज्योति में चलने के लिए, प्रभु सुनने वाला सबको सहायता करे। केवल एक ही परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता सारा मानव जाति को ज्योति देने के लिए आया, वो सच्ची ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे, प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।